कल की मूवी से प्रभास का ये वाला लुक और ये वाला लुक दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या आपको? अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट नेट पे वायरल हो रही एक थ्योरी का ये कहना है कि कल की मूवी के अंदर प्रभास के दो रोल्स होने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो, कर दो। तो कल शाम को कल की मूवी से एक पोस्टर ड्रॉप किया गया प्रभास के कैरेक्टर का, जिसको यहाँ पीछे तुम देख सकते हो लगा हुआ है, लगा के रखा है हमने। तो दिखने में काफी ज्यादा कूल और फ्यूचरिस्टिक सा दिख रहा है, मतलब काफी तगड़ा पोस्टर है, लुक भी बहुत तगड़ा है, फ्यूचरिस्टिक सा दिख रहा है, देख के मजा आ गया है। और एक तरह से कह सकते हो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, मूवी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, भरोसा हो गया है कि भाई नाग अश्विन ने कुछ अच्छा तो बनाया है, क्योंकि लुक बहुत ज्यादा अच्छा है और वो चीज मैटर करती है। मूवी को लेकर जो डाउट्स थे, कंफ्यूजन थी कि शायद ये भी आदित्य जैसे डिजास्टर ना हो जाए, वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अब चीजें प्रॉमिसिंग लग रही है जैसे जैसे इसका प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप होता जा रहा है। अब इसी पोस्टर के साथ उन्होंने प्रभास के कैरेक्टर का नाम भी रिवील कर दिया, जो कि भैरवा होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भैरवा का जो जन्म है वो डिस्टोपियन इंडिया के काशी सिटी में होने वाला है, मतलब कह सकते हो कि एक तरह से ऑरिजिन जो है काशी सिटी के अंदर टेक प्लेस करेगा। तो तुम ये भी कह सकते हो कि इस मूवी का मेजर पोर्शन इसी सिटी के अंदर दिखाया जाएगा। अब अगर इस पोस्टर की बात करें तो प्रभास एक स्लीवलेस आर्मर पहने हुए दिखते हैं, जो कि दिखने में सही लग रहा है। साथ ही ये फ्यूचरिस्टिक गॉगल्स भी लगा रखे हैं उन्होंने, जो कि दिखने में काफी कूल लग रहे हैं। अब हो सकता है तुम्हें ये मार्वल के साइक्लोप से कॉपीड लगे, बट इतना तो चलता यार, क्योंकि दिखने में वाकई में बहुत कूल है। वैसे इस मूवी का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ही, डिस्टोपियन फ्यूचर में होने की वजह से काफी सारे कूल से गैजेट भी हमें इस मूवी के अंदर दिखने वाले हैं, जिनमें से तीन चीजें जो अभी तक हमारे सामने आई है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आई, जिनमें से पहला है जेट बूस्ट, जो कि हमें ग्लिम्स के अंदर दिखा था। उसके बाद हमें एक होलोग्राम सी भी चीज दिखी थी, जिसके साथ प्रभास का कैरेक्टर इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो भी दिखने में काफी सही सा लग रहा था। और साथ ही साथ इस पोस्टर के साथ जो एक क्लासिक सा एकदम फ्यूचरिस्टिक चश्मा हमें दिखने को मिला, ये भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंड करता है और दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और कूल वाइब देता है। अब यार जो बंदे प्रभास को पिछले एक दो साल से उनके लुक्स को लेकर ट्रोल कर रहे थे भाई, उनकी तो ये पोस्टर देख के मस्त जली होगी, क्योंकि इस पोस्टर के अंदर प्रभास का लुक बहुत सही लग रहा है। और भाई जरा ये बिहाइंड द सीन फोटो देखो भाई, इसमें बंदा कितना प्यारा लग रहा है। तो जो ट्रोल कर रहे थे भाई बंदे को उसके लुक्स के लिए, रेस्ट इन पीस भाई, रेस्ट इन पीस। अब अगर उस नेट वाली थ्योरी के ऊपर आ जाए तो भाई उस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रभास के दो रोल्स होने वाले हैं इस मूवी के अंदर, जहां एक रोल तो अपना सेवियर का होगा जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर को बचाएगा, और दूसरा जो रोल होगा वो प्रभास का इविल वर्जन होगा, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कमल हसन यानी कि कली के कैरेक्टर का कोई रिलेटिव होगा, मोस्ट प्रोबेबली उनका बेटा हो सकता है। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भैरवा है, मतलब ये बंदा, ये जो है वो इविल वर्जन हो सकता है प्रभास का। और तो मुझे ये नहीं लगता, मैं इस चीज से बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अगर आपकी मूवी की विलन की कास्ट में कमल हसन जैसा बड़ा और इंप्रेसिव एक्टर है, तो आप अपने हीरो का अल्टरनेट वर्जन, इविल वर्जन क्यों ही रखोगे चीजें कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो यही था मेरा ओपिनियन भैरवा के इस फर्स्ट लुक पोस्टर के ऊपर। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नाम है अभी एंड आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी।